हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबको हमारी एक और रैंडम वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर के बारे में। बताऊंगा कि ये मूवी सबके लिए वर्थ इट है, जैसा इसको बता रहे हैं, क्या सबको ये मूवी अच्छी लगेगी। चलो बात करते हैं। अब यार, इस मूवी के बारे में जिन जिन लोगों को पता होगा, उनको ये भी पता होगा कि ये मूवी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी हमारे सामने रखती है। हाँ, ये वही आदमी है जिसने एटम बॉम्ब बनाया था और इसी की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए थे। और क्या तुमने ये सोचा है, ऐसे खतरनाक बॉम्ब को इन्वेंट करने वाले का दिमाग कैसा होगा? ऑब्वियसली लोग उसे इविल मैन ही समझेंगे। पर उस सबसे ज्यादा ये मूवी हमें दिखाती है, जहाँ पूरी मूवी ओपेनहाइमर के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे उन्होंने ये सब शुरू किया और यूएसए ने फर्स्ट एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट ओपेनहाइमर को ही क्यों दिया। अब ऐसा मत समझना कि ये बेसिक जानने के बाद स्टोरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमें देखने को मिलती है कि इतनी डेंजरस पावर आपने बना के इंसानों के हाथों में दे दी, तो इसका पूरे वर्ल्ड पे क्या असर होगा, और फिर लोग उस इंसान के साथ क्या करेंगे जिसने ये बॉम्ब बनाया और वो जिंदा है, मतलब पास्ट में जब ये इवेंट हुआ था तब। और भाई, गौर करना, इस मूवी को बनाने वाले क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब हैं। मतलब जितना कुछ मैंने बोला वो सुनने से ज्यादा देखने और समझने में काफी ज्यादा डार्क है। अब देखो, इतना तो साफ है कि इस मूवी को देखने का प्लान जिसने भी बनाया है, उसके पीछे का कारण इसके डायरेक्टर ही है, क्योंकि उनका काम पास्ट में इतना ज्यादा गजब रहा है और नॉट सो फॉरगेटेबल, कंफ्यूजिंग भी। और वही सारी कंफ्यूजन इस मूवी में डबल ट्रबल हो जाती है, क्योंकि अगर तुम्हें ये मूवी समझ आ रही है तब तक ठीक है, और जिस पॉइंट पे तुम कहानी में कंफ्यूज होके फंस गए, बस उसी पल से लेके मूवी के एंड तक तुम कंफ्यूज ही रहोगे। क्योंकि नोलन भाई साहब इसी खूबी की वजह से जाने जाते हैं कि वो अपनी मूवी ऐसे बनाते हैं कि लोगों का पूरा ध्यान बस उनकी मूवी को समझने में लग जाए। और आप उनकी कोई सी भी मूवी उठा के देख लो, अगर आपका उस मूवी से इतना सा भी ध्यान हटा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप बाद में धोखे में ना रहें कि यार बड़ी पिक्चर है, एक्शन वैक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, ये मूवी सिर्फ इसके डायलॉग और इसके विजुअल्स पे डिपेंड है। क्योंकि जब डायलॉग चल रहे होते हैं और उसके साथ जो हमें सीन देखने को मिलता है, भाई दिल खुश कर दिया, काबिले तारीफ। और इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही यही है, इसकी कन्वर्सेशन वॉर, भाई इतनी क्लियर और दिमाग को घुमा देने वाली बातें सुनने को मिलती है। इसी पे याद आया, मेट डेमन और क्लियन मॉर्फी का आपस में बात करने वाला सीन आता है, भाई गजब, उम्मीद भी यही थी। क्योंकि अगर तुमने मेट डेमन की एयर मूवी देखी है, जो कि नाइकी की बायोपिक थी, उसमें भी इनका काम फिर से काबिले तारीफ। और इन दोनों के अलावा भी एक्टर्स की लिस्ट काफी लंबी है, जहाँ किसी ना किसी एक्टर को आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, और सबका काम बवाल। छोटे में इसके साउंड के लिए भी बात कर ही लेते हैं, भाई मूवी को चार चांद लगाने का आधा काम तो इसके साउंड ने ही कर दिया है। अगर कोई सीन चल रहा है और उसमें डायलॉग्स नहीं है, फिर भी आप बैकग्राउंड साउंड की वजह से आराम से उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाओगे, इतना गजब काम है साउंड का भी। अब मन तो बहुत था कि इसको आईमैक्स में देखें, लेकिन जहां मैं रहता हूं वहां नॉर्मल थिएटर्स हैं, और इसमें भी मैंने इसको एंजॉय किया है। बाकी आप अगर मेरी पिछली वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं, तो मैंने इसमें बता रखा है कि मुझे ऐसी मूवी पसंद आती है। अब सबसे मेन बात की आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अगर तुमने ये मूवी देखने का प्लान पहले से बना रखा है तो भाई जा सकते हो, वरना कूल लगना है या लोगों से बातें सुन रहे हो फिर इस मूवी को देखने का प्लान है तो भाई वार्निंग दे देता हूँ, सोने की तैयारी कर लेना, क्योंकि ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ इसमें डायलॉग्स है और सच बताऊँ ना, वही मूवी के लिए इनफ है। और मेरे क्या विचार थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बाकी इस वीडियो के लिए आपके कोई विचार हो या मूवी देखने के लिए कोई हेल्प मिल गई हो, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली रिव्यू वीडियो में। बाय।